नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां हम बात करेंगे दिल्ली में हुए इनकाउंटर की, कांग्रेस सांसद के काले धन की, महुआ मोइत्रा की सदस्यता रद्द होने की और बहुत कुछ है खास, जहां हमारे संवाददाता दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी देंगे हमें ग्राउंड जीरो से। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे आईसिस मॉडल की। आपको बता दें कि आईसिस यानी आईएस की आतंकी मंसूबे पर एनआईए ने की है सर्जिकल स्ट्राइक। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ज्योति निषाद। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने शनिवार सुबह 9 बजे करीब देश के दो राज्य महाराष्ट्र और कर्नाटक में छापेमारी की, जहां पर दोनों राज्यों में 44 जगह पर छापेमारी की गई और महाराष्ट्र से 13 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। और बताया जा रहा है ये लोग आईएसआई से जुड़े संगठन में संबंध रखते हैं। एनआईए ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के 44 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सबसे ज्यादा थाने में 31 जगह और पुणे में 2, थाने सिटी में 9, भयंदर में 1 और कर्नाटक में 1-1 जगह पर रेड की। जांच एजेंसियों के सूत्र के मुताबिक आईएसआई से जुड़े एक नेटवर्क को ढूंढ निकाला जो भारत में आईएसआई की विचारधारा को फैलाने की कोशिश कर रहा था। इस पूरे नेटवर्क को विदेश में बैठे हैंडलर्स चला रहे थे। इनका मकसद भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना था। ये लोग भारत में आईएसआईएस विचारधारा के प्रभावित युवाओं को अपने संगठन में शामिल करते थे। इन्हें आईईडी बनाने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। आपको बता दें आईएसआईएस मॉड्यूल केस में एनआईए ने पुणे में भी पहले कार्रवाई की थी। यहाँ से 7 लोगों को पकड़ा गया था। 6 नवम्बर को इन 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई। 12 नवंबर को खुलासा हुआ कि 7 आरोपी काफी पढ़े लिखे थे। ये लोग नामी कंपनी में काम करते थे और आईईडी बनाने के लिए कोडवर्ड में बात किया करते थे। एनआईए ने कोर्ट में 4000 पेज की चार्जशीट दायर की। इसके अलावा आरोपी आईईडी बनाने के लिए आसानी से मिलने वाली चीजें जैसे वॉशिंग मशीन, टाइमर, थर्मामीटर, स्पीकर वायर, 12 वोल्ट का बल्ब, 9 वोल्ट की बैटरी, फिल्टर पेपर, माचिस की तिलियां और बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल करते थे। आरोपियों ने आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए महाराष्ट्र, गोवा, केरल और कर्नाटक में रेकी की थी। उन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए एक ड्रोन का इस्तेमाल किया था, जिसे एजेंसियों ने जब्त कर लिया। एजेंसी ने जिस केस में छापेमारी की है वो आईएसआईएस की विचारधारा रखने वाला है, जो कि भारत के युवाओं को इस्लामिक मानसिकता उनके दिमाग में भरने का काम करता है। कैमरामैन सुशील बहल के साथ मैं ज्योति निषाद, इंडिया वॉइस दिल्ली। इधर चंदौली में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे। इस समय हमारी मौजूदगी चंदौली जिले के नट्टी रघुनाथपुर गांव में है, जो कि सदर विकास खंड में ये गांव पड़ता है। यहां पे विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया। आप हमारे पीछे की तरफ यहां पे आप देख रहे होंगे विजुअल्स में कि यहां पे लगभग सैकड़ों यहां पे महिलाएं और पुरुषों ने इस संकल्प यात्रा में प्रतिभाग किया। और साथ ही आपको बता दें कि यहां पे आज डीएम निखिल टीकाराम पुंडे ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। साथ ही साथ ये यात्रा 15 नवंबर से 26 जनवरी तक ये यात्रा जो है चलेगी। आपको बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। आपको बता दें कि इसके द्वारा आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगाई गई है। साथ ही साथ यहाँ पे सभी विभागों द्वारा यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है और प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को सरकार के जो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है। इस दौरान डीएम ने लोगों को शपथ भी दिलाई और साथ ही साथ यहां पर आपको बता दें कि यहां पर जो आप यहां पे संख्या देख रहे हैं काफी लोगों में उत्सुकता है और जितने लोग नहीं अभी तक सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चला रहे हैं उससे वंचित रह गए हैं। इस कार्यक्रम के इस यात्रा के का यही उद्देश्य है कि अंतिम व्यक्ति तक इन सभी योजना का लाभ उनकर तक पहुंच सके। पवन पांडे, इंडिया वॉयस, चंदौली। हरदोई से एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है वीडियो, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद त्रिवेदी। शिक्षा जहां मिलती है उसे लोग मंदिर कहते हैं। आपको बता दें कि एक प्रधान अध्यापक शराब के नशे में स्कूल में आता है और बच्चों से अभद्र भाषा का प्रयोग भी करता है। लगातार वो शराब पीकर नजर आते हैं स्कूल में। आपको बता दें पूरा मामला
हरदोई के टड़ियावा थाना क्षेत्र का है। टड़ियावा के प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां पर एक प्रधान अध्यापक आते हैं और लगभग जो आते भी हैं उनका जो टाइम है उस टाइम पे नहीं आते, लगभग 9:30 बजे आते हैं वो, और एक शराब का पौआ उनके अंदर होता है तब वो आते हैं, तब वो बच्चों की क्लास लेते हैं। तो ये देखने की बात है कि सबसे ज़्यादा जहाँ पर बच्चों को शिक्षा मिलती है और वहाँ पर ऐसा कृत्य प्रधान अध्यापक, जिसे गुरु एक होता है, गुरु को लोग भगवान मानते हैं, क्योंकि जो माँ बाप के बाद में जो गुरु होता है वो शिक्षा देने वाला होता है, लेकिन जब वो शिक्षा देने ही वाला शराब के नशे में आता है तो क्या इन बच्चों का भविष्य होगा, ये देखने की बात है। हालांकि पूरे मामले पर बीएसए ने जांच के आदेश दिए हैं, अब देखना ये होगा कि ये जो प्रधान अध्यापक हैं इनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाती है। हरदोई से आनंद त्रिवेदी, इंडिया वाइज। बलिया में कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के विरोध में उतरी बीजेपी, क्या है पूरा मामला बता रहे हमारे संवाददाता करुणेश पांडे। ईडी की कार्रवाई होती है और धीरज साहू के घर और काफी मात्रा में पैसा पकड़ा जाता है। मैं आपको बता दूं कि धीरज साहू के घर ईडी की कार्रवाई में भारी मात्रा में पैसा पकड़ा गया है, जिसको लेकर के बीजेपी जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस पार्टी का विरोध भी कर रही है। मैं आपको बता दूं कि बलिया भी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है धरना प्रदर्शन किए और कलेक्टर परिसर में वहां पहुंचे जहां पे धरना प्रदर्शन किए। वहीं मैं बता दूं आपको कि जो बीजेपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी हैं उस धरना प्रदर्शन में उपेंद्र तिवारी भी पहुंचे। उन्होंने जो है उपेंद्र तिवारी ने कहा कि यह जो है ईडी की कार्रवाई में जो भारी मात्रा में पैसा पकड़ा गया, इसमें कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टाचार का उजागर इसमें दिखता है। कहीं ना कहीं जो है धीरज साहू जो है वो कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा से मनोनीत सांसद हैं और उनके घर इस तरह का इतने काफी मात्रा में पैसा पकड़े जाना कहीं ना कहीं जो है यह इंगित करता है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि यह जो पैसा जो है कांग्रेस पार्टी का भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस पैसे को जो लेकर के कहा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है और उस 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड से लेकर के जो हिंदुस्तान के कोने कोने में इस पैसे का दुरुपयोग हो सकता था कि यह पार्टी करती और इस जहां पे कि ईडी की छापेमारी हुई और ईडी के छापेमारी के दौरान जो इतनी भारी मात्रा में जो है पैसा पकड़ा गया है। आज उन्होंने बताया कि प्रदेश व्यापी जो है यह इसको कांग्रेस पार्टी और इस सांसद के विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है और उन्होंने इस ईडी कार्रवाई को जो है मांग किया कि जो कठोर से कठोर जो है ईडी इस पर कार्रवाई करे। गणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बताने की बदायूं में एक युवती का अपहरण कर दुष्कर्म का मामला सामने आया है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सतीश सक्सेना। इसे एक बार फिर दहला देने वाली घटना सामने आई है। जी आपको बता दें कि बदायूं के उसावा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवती को शाहजहानपुर जिले से लाया गया और उसे उसावा जो थाना है उस क्षेत्र के अंतर्गत उसको बंधक बना के रखा गया। जी आपको बता दें कि उसके साथ गलत व्यवहार किया गया, उसके साथ मारपीट की गई। किसी तरीके से वह युवती उन लोगों के चुंगल से छूटकर उसावा थाने में पहुंचती है और वह पूरी आपबीती पुलिस को बताती है। वहां इंस्पेक्टर ने उस युवती की आपबीती को सुनकर चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं आपको बता दें कि जो अधिकारियाँ हैं उनका कहना है कि जो चार आरोपियों के नामजद तहरीर दी गई थी उसमें से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं दो आरोपी अब भी फरार चल रहे हैं जिनके लिए पुलिस लगातार दबिशें दे रही है। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि जो अन्य आरोपी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करने में कब तक कामयाब हो पाती है। कैमरामैन सोहेल के साथ सतीश सक्सेना, इंडिया वॉइस पदाई। उत्तराखंड में UKGIS 2023 का समापन हो चुका है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संवाददाता अभय केंतुरा। यूनिवर्सिटी समिट 2023 उत्तराखंड की दशा दिशा बदलने वाला साबित हो रहा है। दो दिन के इस समिट में 43 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू सरकार की तरफ से साइन यहां पर किए गए, जिसमें सबसे बड़ी बात जो राहत की खबर खुशखबरी उत्तराखंड के लिए ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उन 3 लाख करोड़ के जो एमओयू साइन हुए थे उसमें से 44,000 करोड़ के एमओयू को धरातल पर उतारने का यहाँ पर शुभारंभ किया गया।
और ये बड़ी शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए विकास का रास्ता बड़ा असल होता है और वो रास्ते डगर बड़ी मुश्किल यहाँ पर होती है। लेकिन जिस प्रकार से उत्तराखंड की नई पहचान देने की कोशिश प्रधानमंत्री कर चुकी है, तो ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 2025 तक जब उत्तराखंड राज्य अपना रजत जयंती समारोह मना रहा होगा, तो उत्तराखंड की दशा दिशा बदलती नजर आएगी। उत्तराखंड राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार होगा। दो दिन के इस इन्वेस्टर समिट में देश और दुनिया के कई देशों के राजनीति वो यहाँ पर आए थे। कोशिश यही रही सरकार की कि ज्यादा से ज्यादा निवेश उत्तराखंड राज्य में हो सके, उत्तराखंड राज्य में जो विकास का जो खाका बड़ा तेज बढ़ सके, ताकि 2025 तक उत्तराखंड राज्य विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके। सरकार ने कोशिश भी की है और अभी कहा जा सकता है कि जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसके परिणाम होंगे आने वाले दिनों में, और यहाँ पर देखने को मिलेंगे सकारात्मक परिणाम होंगे और उत्तराखंड राज्य की नई पहचान दुनिया के मंचों पर नजर आएगी। प्रयागराज में यूपीएसटीएफ ने किया तस्करी गिरोह का पर्दाफाश। कौन सा है गिरोह, किसकी करते थे तस्करी, बता रहे हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। कछुआ तस्करों के तीन सदस्यों को टोल प्लाजा नवाबगंज के पास से गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार तस्करों के पास से करीब 27 बोरी में 700 से ज्यादा कछुए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि ये कछुआ तस्कर बाकायदा यहाँ से तस्करी करते हुए इसे पश्चिम बंगाल की तरफ ले जा रहे थे। नवाबगंज जो प्रयागराज का एक टोल प्लाजा है, वहाँ पर एसटीएफ की टीम ने अपने मित्रों की सूचना के आधार पर इन्हें रोका और वहीं से इन लोगों को गिरफ्तार किया। बाकायदा एक बलोरो गाड़ी थी जिसमें बोरियों में इन कछुओं को रखा गया था। 27 बोरी इस तरह की बरामद की गई जिसमें कछुए रखे गए थे। इनकी जो संख्या बताई जा रही है करीब 740 के आसपास कछुए इसमें बरामद किए गए हैं। और ये जो कछुआ तस्कर है यूपी के अलग अलग जिलों के बताए जा रहे हैं। तीन कछुआ तस्कर पकड़े गए हैं जिनको एसटीएफ ने पकड़ के इनसे पूछताछ शुरू कर दी है। ये कछुआ तस्कर कितने दिनों से इस तरह के धंधे में लिप्त थे, इनके पीछे किन लोगों का हाथ है, अब एसटीएफ की टीम इसे खंगालने की कोशिश करे। लेकिन जिस तरह से कछुआ तस्करों के हाथों से इस तरह से ये 700 से ज़्यादा कछुए बरामद कराया है, उसको लेकर के एसटीएफ एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी खुश है, क्योंकि उसने एक बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। हालांकि अब इन कछुओं को वन विभाग के जरिए किसी जल में डाला जाएगा। लेकिन जो तस्कर पकड़े गए हैं वो कितने दिनों से इस तरह की तस्करी में लिप्त थे, इससे पहले का उनका क्या रिकॉर्ड है, ये एसटीएफ खंगाल ली। और ख़ासतौर से क्या उनके गैंग के और भी सदस्य अभी यूपी में सक्रिय हैं, उनकी अब एसटीएफ तलाश कर रही है। शोएब रिजवी, प्रयागराज। उत्तराखंड में जश्न पॉप का आगाज हो गया है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। कई 3 से 4 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये अवसर बन चुके हैं और आप देख सकते हैं कि खुशी के मारे ये जो पुशअप्स हैं वो यहाँ पर लगा रहे हैं। अब इससे उनके जोश से उनके जो उससे ही जोश से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कड़ी उनकी ट्रेनिंग रही है। इस दौरान इनको अनुशासन सिखाया गया और जितने भी वॉर टैक्टिक्स हैं वो सिखाए गए। जो सेना का एसोसिएशन है वो सबसे मेन रहता है, वो सिखाया गया। 4 साल तक कड़ी ट्रेनिंग की गई और उसके बाद ये अफसर बन चुके हैं और आप देख सकते हैं खुशी का कितना माहौल है। एक कंपनी यहाँ पर आपको नजर आ रही होगी। अब ये जो 4 साल का सफर था इन दोनों जो जितने भी दोस्त बने होंगे, लेकिन अब ये अलग अलग रेजिमेंट्स में जाएंगे और वहाँ पर अपनी ड्यूटीज देंगे। पूरे अगर 372 पूरे रेजिमेंट्स की पूरे क्रेडिट्स की बात की जाए तो ये अफसर बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह का जोश आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा और साफ तौर पर ये नजर आता है कि कितने गौरव ये हो चुके हैं, क्योंकि कई लोगों का बचपन से सपना होता है कि वो सेना में शामिल हो और जिस तरह के पुशअप लगाते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जोश देख सकते हैं कि हाउस के जोश के जो नारे हैं वो लग चुके हैं और पुशअप यहाँ पर मारे जा रहे हैं। जो अपनी ताकत कह सकते हैं, जो गौरव है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, जोश जो इनके सीनों से निकलता हुआ साफ नजर आ रहा है कि देश की जब वो सेवा करेंगे तो उसमें हर कहा जा सकता है हर संभव प्रयास उसमें करेंगे और देश की को अपनी जान तक निशावर करने के लिए पीछे हटेंगे नहीं। कैमरा मैन निशान चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस दे रहा हूँ। मथुरा श्राइन बोर्ड के गठन की फिर से शुरू होगी सुनवाई, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। क्षेत्र में गिरिराज पर्वत को लेकर श्राइन बोर्ड की गठन की प्रक्रिया फिर से चालू हो गई है। एनजीटी में इसकी सुनवाई हुई है। अब एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट
इस पर 22 दिसंबर को सुनवाई करेगा। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि गोवर्धन पर्वत के सुरक्षा को लेकर और गोवर्धन पर्वत की पर्यावरण को लेकर और तमाम अनेक व्यवस्थाओं को लेकर श्राइन बोर्ड का गठन होना चाहिए और जिसमें जो है 22 तारीख की तारीख जो है नियत हुई है और श्राइन बोर्ड का गठन के लिए रास्ता साफ हो गया है, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोगों का कहना है कि श्राइन बोर्ड का गठन हो जाएगा तो गोवर्धन पर्वत को जो है उसको लेकर तमाम जो पर्यावरण की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक होंगी और अन्य व्यवस्थाएं भी ठीक हो जाएंगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक मक्का। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि सहारनपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। सहारनपुर में आज सुबह सवेरे एक सड़क हादसे में दो छात्रों समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस दुर्घटना में 6 अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सहारनपुर के थाना नागलक क्षेत्र में मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर आज एक खनन से भरे डंपर ने बस सवारी का इंतजार कर रहे लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। इस सड़क दुर्घटना में मौके पर ही 2 छात्रों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई। इस सड़क दुर्घटना में कुल 6 लोग गंभीर हुए हैं। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर ओवरब्रिज बनाने की मांग भी की है और थाने का घेराव भी किया है। थाने पर धरने पर बैठे क्षेत्रीय लोगों और भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि वह लंबे समय से नागल में एक ओवरब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि इस स्थान पर लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। शरद कुमार, शरद, इंडिया वॉइस, सहारनपुर। इधर बिजनौर में एक शादी समारोह में हड़कंप मच गया। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं हमारे संवाददाता जाहिर अहमद। बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 74 पर स्थित एक रिजॉर्ट में देर रात उस वक्त हंगामा हो गया जब बारात चढ़त के दौरान कुछ युवकों ने नशे में हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। हर्ष फायरिंग होते देख नूरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले अजय कुमार ने उन युवकों को रोका और हर्ष फायरिंग करने से मना किया। इस बात से नाराज़ होकर युवकों ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया, उसके साथ जमकर मारपीट की और उसको नाले में फेंक दिया। पीड़ित का आरोप है कि उसके लाग समझाने के बाद भी युवक नहीं माने, उसके साथ जमकर मारपीट करते रहे और उसको नाले में फेंककर फरार हो गए। उसके साथ कुछ अन्य परिजन और रिश्तेदार भी मौजूद थे, उन्होंने उसको उठाकर के अस्पताल पहुँचाया। पीड़ित ने फिलहाल पुलिस से शिकायत कर दी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर कार्रवाई की बात कर रही है। वहीं हर्ष फायरिंग का एक वीडियो संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। दिल्ली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तुषार कुमार। बता दें कि दक्षिण दिल्ली का इलाका वसंत कुंज शुक्रवार की देर रात गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के बीच जमकर गोलीबारी हुई। बता दें कि पुलिस ने जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटरों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक शूटर की उम्र जो है वो 15 साल बताई जा रही है और दूसरे शूटर की उम्र 23 साल बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और लॉरेंस बिश्नोई के बीच खूनी फायरिंग हुई। गोलीबारी में पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि दोनों तरफ से काफी गोलियां चली। एक शूटर नाबालिग है, 23 साल के शूटर का नाम अनीश है जो हरियाणा के रोहतक का निवासी है। वहीं दूसरे का नाम CCL जो उसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि इन दोनों महुआ मोहित्रा की संसद की सदस्यता रद्द हो गई है, जिस पर बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। सांसद महुआ मोहित्रा की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अपने 14 साल के राजनीतिक करियर में TMC सांसद मोहित्रा अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। आपको बता दें कैश फॉर क्यूरी मामले में TMC सांसद की सदस्यता ध्वनि मत से रद्द कर दी गई है। आपको बता दें पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने TMC सांसद महुआ मोहित्रा पर यह आरोप लगाया कि उनके 61 में से 50 सवाल अडानी और अंबानी को लेकर पूछे गए थे।
कोरबा में हार के बाद कांग्रेस ने किया मंथन, क्या कुछ रहा खास बता रहे हमारे संवाददाता सुहेल किदवई। चारों विधानसभा में खासकर कोरबा की वीआईपी सीट कोरबा विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की 25,000 से अधिक वोटों से हार हुई है, जिसकी समीक्षा उन्होंने परिणाम आने के 5 दिन बाद की। उस समीक्षा बैठक में कांग्रेस के सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता, वार्ड पार्षद सहित कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेता उपस्थित थे। इस समीक्षा बैठक के बाद जो जयसिंह अग्रवाल ने जो कहा, जो मीडिया से कहा, वो चौंकाने वाला है। सिद्धार्थनगर में भाजपा नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता राकेश यादव। सिद्धार्थनगर जिले में कांग्रेसी नेता जो कि धीरज साहू जी के घर जो 200 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं उसको लेके भाजपा कार्यकर्ताओं ने NH 28 पर पुतला फूंका है। आपको बता दूं कि सिद्धार्थनगर जिले के भाजपा कार्यकर्ता जो है सैकड़ों की संख्या में पहुंचे, वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान के नेतृत्व में सांसद जगदम्बिका पाल भी मौजूद रहे और सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर पर IT ने रेड की है, इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। बता दें कि 290 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है उनके घर से बरामद किए गए हैं। गिनने के लिए मशीन भी आयकर विभाग की टीम ने मशीन मंगाई है। जिस तरीके से लगातार उनके सहयोगी जो है उनके घरों पर भी छापेमारी चल रही है, देखना हो रहा है जिस तरीके से लगातार कल से ये छापेमारी चल रही है। धीरज साहू के घर से 9 अलमारियों से पैसा भी बरामद किया गया है। उड़ीसा और झारखंड के उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी के दौरान विभाग की अलमारी से करोड़ों रुपये से भरे हुए मिले हुए हैं। बताया गया है कि यह कैश उड़ीसा झारखंड में मौजूद उनके घरों से बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है कि जिसमें कैश देखा जा सकता है। धीरज साहू के पास कितना कैश बरामद है इसको अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार 3 दिन छापेमारी के नोट गिनने पड़ रहे हैं। आलम यह रहा है कि नोट गिनने के लिए लाई गई मशीनों की क्षमता कम पड़ गई है। नोट गिनने के लिए 3 दर्जन मशीन को मंगाया गया था जो कम पड़ गई है। अधिकारियों ने बताया कि छापेमारी के दौरान 290 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया है। इन पैसों का कोई हिसाब नहीं है। दरअसल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम ने उड़ीसा के बॉर्डर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड और उसकी जुड़ी कंपनियों से छापेमारी की है। इन कंपनियों के संबंध में धीरज साहू से है। इसके अलावा बलदेव साहू इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छापेमारी की गई है। इधर गाजीपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी उनके हाथ लगी है, खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशील तिवारी। 17 राशि गोवंश पुलिस ने किए बरामद। गाजीपुर जिले में थाना भावरकोल का ये मामला है, जहां पर पुलिस रसूलपुर में जब खड़ी थी उस समय पुलिस ने देखा सामने से 14 टेरा ट्रक आ रहा था। पुलिस उसको रुकवाती है, उसमें 2 नफर अभियुक्त उसमें थे। एक पुलिस का कहना है कि भागने में कामयाब हो गया और ट्रक को ऊपर से तिरपाल से वो लोग ढके थे। पुलिस जब अंदर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें 14 बैल थे और 3 राशि गाय, 3 गाय वहां पर, 3 गाय लदी हुई थी, एक मौत हो गई थी एक की, और बड़ी सफलता मिली है। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये आ रहे थे मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश से होते हुए ये कानपुर में दाखिल होते हैं, उसके बाद वाराणसी से गाजीपुर होते हुए ये बिहार कूच करने वाले थे। वहां से पुलिस बताती है कि ये कलकत्ता जाने वाले थे, जहां पे ये उनका वध करने वाले थे। लेकिन बड़ी कामयाबी मिली है गाजीपुर के पुलिस को। थाना भावरकोल का ये मामला है जिसमें से 2 लोग उसमें थे। फतेहपुर में PSC के जवान ने फांसी लगा लिया, क्या रही वजह बता रहे हमारे संवाददाता पुतुल पंडित। जिले के ललौली थाना क्षेत्र के समतपुर गांव का है पूरा मामला, जहां छुट्टी पे आए PSC के जवान ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें मरने से पहले जवान ने 3 पेज सुसाइड नोट लिखकर फेसबुक पर वायरल कर दिया था, जिसमें जवान ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और ससुराल जनी को बताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कर पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। आपको बता दें पूरा मामला ललौली थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें ये PSC का जवान प्रयागराज में तैनात है। इंडिया वॉइस के लिए भीमशंकर की रिपोर्ट। रिपोर्टर लाइव में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस। नमस्कार।